नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ये एक वर्ग हमें दिया हुआ है। भुजा इसकी है 4 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चार ही जो इसकी भुजाएं हैं ये है 4 सेंटीमीटर, और ये इसके शीर्ष हैं ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश, ये एक चतुर्थांश है, ये होता है बच्चों त्रिज्यखंड की तरह, क्योंकि ये वर्ग है तो इसके सारे कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक चतुर्थांश है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बीच में ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वर्ग के शेष भाग का, शेष भाग यानी ये जो हमने हरा हरा शेड किया है, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 चतुर्थांश माइनस होंगे और एक ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा, तो बाकी बच जाएगा ये शेडेड छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस होगा, देखो चतुर्थांश कितने हैं, 1 2 3 4, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस साथ में वृत्त का क्षेत्रफल, ये कुछ नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों एक बार दोबारा समझ लो, हमें ये शेडेड पोर्शन ग्रीन वाले का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा है वर्ग, वर्ग में से 4 चतुर्थांश और एक वृत्त माइनस करना है। तो मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसमें से 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यानी ये सर्कल का क्षेत्रफल। तो आइए इसे हल करते हैं बच्चों, ध्यान से करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है इसका फार्मूला भुजा गुना भुजा माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, क्योंकि ये चतुर्थांश क्या है, एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड बच्चों कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो हमें पता है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि 4 चतुर्थांश है तो 4 गुना हो गया, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसे बेटा हल करेंगे, आइए देखते हैं, देखिए वर्ग की जो भुजा है वो हमें दी गई है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग, यानी 4 गुना 4 माइनस ये है 4 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो बेटा देखो पाई होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है इस चतुर्थांश का, पहले उन्होंने बता दिया 1 सेंटीमीटर, तो आर हो गया 1, आर स्क्वायर यानी 1 गुना 1 गुना थीटा, थीटा ये कोण, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 90/360 नीचे है तो वो हमने 360 नीचे लिख दिया, माइनस इसमें से बेटा माइनस होना है क्या पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7 गुना आर स्क्वायर, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 गुना 2, ये हमने ब्रैकेट यहां पे बंद कर दी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे हल करके देखते हैं, देखो बच्चों 4 चौके हो गया 16,
माइनस, यहां पर देखते हैं हम क्या हो रहा है। ध्यान से बच्चों देखना है आपने, ये जीरो से एक जीरो कट गई, नब्बे, नौ से छत्तीस कट गया, नौ चौके छत्तीस, ये चार से ये चार कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से ऊपर क्या बचा, बाईस बटा सात, एक गुना एक एक ही होता है, नीचे बटा ऊपर है बाईस और नीचे है सात, ये ब्रैकेट शुरू हो गई, यहां है बाईस बटा सात माइनस, यहां पर है बाईस दुनी चौवालीस दुनी अठासी बटा सात। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों एक हमसे गड़बड़ हो गई है अभी, वो ये कि ये बीच में दो सेंटीमीटर व्यास, यानी ये व्यास दिया हुआ था दो सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी एक, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, ये दो सेंटीमीटर इसका व्यास था तो इसकी त्रिज्या होगी एक, तो ये जो हमने यहां पर दो लिखा ये बन जाएगा एक, और ये भी जो जहां दो लिखा ये भी बन जाएगा एक, और साथ में ये यहां पर प्लस था तो ये भी यहां प्लस होना चाहिए और ये भी यहां पे प्लस होना चाहिए बच्चों, तो ये भी यहां पे प्लस होगा। अब यहां देखिए ये है बाईस बटा सात और ये है प्लस बाईस गुना एक गुना एक बाईस, तो ये सॉरी अठासी नहीं आएगा, ये आएगा बाईस बटा सात, आई एम सॉरी ये गलती हो गई थी लिखने में बेटा। तो अब देखिए ये है सोलह माइनस सात और सात का लघुत्तम हो गया सात, यहां से आ गया बाईस प्लस बाईस, तो ये बन गया सोलह माइनस बाईस प्लस बाईस हो गया चौवालीस बटा सात। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सोलह के नीचे कुछ नहीं है तो एक, सात और एक का लघुत्तम आ जाएगा सात, सात को एक से भाग किया सात, सात गुना सोलह हो गया एक सौ बारह, सोलह सात एक सौ बारह माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो यहां माइनस है तो यहां माइनस है, सात को सात से भाग किया एक, एक को चौवालीस से मना किया गुना किया चौवालीस, तो एक सौ बारह में से जब चौवालीस माइनस करो देखो बारह में से चार गए आठ, दस, दस में से चार गए छः, अड़सठ बटा सात, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो बच्चों देखो हमने क्या निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आया है अड़सठ बटा सात सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि हमने क्वेश्चन में किया क्या, हमारे पास एक वर्ग था, वर्ग में ये चार त्रिज्याखंड थे जिनको चतुर्थांश बोला गया, और साथ में एक ये लाल वृत्त था, तो हमने क्या किया वर्ग के क्षेत्रफल में से ये पांचों चीजें माइनस की। देखो कैसे की, मैंने यहां पे लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश चार थे तो चार गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच में एक वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा माइनस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हमने आगे सॉल्व किया सारे को तो हमारे पास उत्तर आ गया है अड़सठ बटा सात सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। वीडियो आपको समझ आया हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।